हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज पूजा। एवरीवन नो समर्स इज हियर। तो समर्स में हमारी स्किन किस तरह की हो जाती है हम सभी जानते हैं। समर्स में हमें क्या चाहिए होता है, एक डीप क्लीनिंग स्किन चाहिए होती है। हमारे जो पोर्स के अंदर डर्ट इम्प्योरिटीज फंस जाती है, स्टक हो जाती है, उसे क्लियर करना बहुत जरूरी हो जाता है। आज के वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ पॉन्ड्स प्योर डिटॉक्स मिनरल क्ले एक्टिवेटेड चारकोल ऑयल फ्री ग्लो मास्क। इफ यू वांट टू वॉच मोर वीडियोस इन द फ्यूचर लाइक दिस, तो प्लीज प्रेस द सब्सक्राइब बटन। और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक का बटन भी दबाना ना भूले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एंड इट हैज टू मेन इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहला है एक्टिवेट चारकोल, दूसरा है मैनिकोजन क्ले। एक्टिवेट चारकोल हेल्प्स टू डिटॉक्सिफाई योर स्किन एंड मैनिकोजन क्ले विच हेल्प्स टू एब्जॉर्ब इम्प्योरिटीज एंड डर्ट फ्रॉम योर पोर्स एंड योर स्किन। हमारे पोर्स के अंदर जो गंदगी इम्प्योरिटीज डर्ट जो स्टक हो जाती है फंस जाती है उसे क्लियर करेगा। कभी कभी क्या होता है, फेस वॉश करने के बाद भी हमारा स्किन अच्छे से क्लीन नहीं होता है, फिर भी आपको थोड़ा ऑयली ऑयली फील होता है। ये फेस मास्क बहुत अच्छे तरीके से आपकी स्किन को क्लीन करेगा और बहुत ही अच्छे तरीके से जितना भी स्टक हो चुका है गंदगी उसे निकाल देगा। द फीचर ऑफ दिस फेस मास्क इज डिटॉक्सिफाइंग फेस क्लींजर एंड फॉर क्लियर स्किन। ये हमारी स्किन को क्लियर करेगा और डिटॉक्सिफाई करेगा। इट इज फॉर्मुलेटेड विद मैनिकोजन क्ले एंड एक्टिवेट चारकोल। दोनों ही इंग्रेडिएंट बहुत अच्छे तरीके से हमारी स्किन को क्लीन करेंगे, इम्प्योरिटीज को क्लियर करेंगे एंड इट रिमूव डर्ट एंड एक्सेस सीबम फॉर फ्रेश एंड ऑयल फ्री स्किन। जितना भी स्किन में सीबम प्रोडक्शन होगा उसे क्लियर करेगा और आपकी स्किन को एक ऑयल फ्री देगा। इस फेस मास्क को लगाने के बाद जब आप फेस मास्क को धो के साफ पानी से तो एक मैट फिनिश देता है जो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है ऑयल स्किन। एंड इट इज अनलॉक स्किन पोर्स विद 4 times ऑयल एब्जॉर्बेशन पावर। इसके अंदर, इस फेस मास्क के अंदर 4 times पावर है ऑयल को खींचने। एंड दिस फेस मास्क लीव स्किन फीलिंग सॉफ्ट स्मूथ एंड ग्लोइंग। ये फेस मास्क हमारी स्किन को सॉफ्ट फ्रेश एंड ग्लोइंग बनाता है। अब बात करते हैं स्किन टाइप की। दिस इज गुड फॉर ऑल स्किन टाइप्स बट इफ यू हैव अ ड्राई स्किन एंड वेरी वेरी ड्राई स्किन सो आई डोंट थिंक सो कि ये सूट करेगा। फेस मास्क हमारी स्किन से जितना भी ऑयल होगा उसे निकाल देगा और एक मैट फिनिश देता है। बट मे भी हो सकता है ड्राई स्किन पे सूट ना करे, मे भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता, आई एम नॉट श्योर। बट मैं अपना पर्सनल व्यू दूं तो कि ड्राई स्किन पे सूट नहीं करेगा। बट इफ यू हैव ऑयली स्किन, वेरी वेरी ऑयली स्किन एंड एक्ने प्रोन स्किन, तो ये फेस मास्क बहुत अच्छा है आपके लिए, आपकी स्किन को डीप क्लीन करे। इफ यू वॉन्ट टू ट्राई अ गुड फेस मास्क फॉर ड्राई स्किन तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, तो मैं आपको एक कुछ सजेशन दे दूंगी, वो ट्राई जरूर कर लीजिए। यू कैन यूज दिस फेस मास्क 1 or 2 times इन अ वीक फॉर द बेस्ट रिजल्ट। फेस मास्क को वीक में 1 से 2 बार यूज कर सकते हो फॉर द बेस्ट रिजल्ट। पॉन्ड्स में 2 face masks आते हैं मेरे पास, जो है चारकोल वाला एक्टिवेट चारकोल, दूसरा आता है एक पिंक में। एक्टिवेट चारकोल क्या होता है, डीप क्लीनिंग करता है स्किन से, आपके स्किन से इम्प्योरिटीज डर्ट को क्लीन करता है। लेकिन जो पिंक वन पैकिंग में आता है वो स्किन को ब्राइट बनाता है, वो मैं उसे यूज कर चुकी हूँ। बट दिस इज अ वेरी गुड फॉर समर्स ऑयली स्किन, जैसे आप देख सकते हो मैंने भी मेकअप कर रखा है और मेकअप में क्या है, जो आप देखोगे कुछ टी जोन और यहाँ पे बहुत ही पसीना आ रहा है, उस वजह से क्या होता है, मैं जब मेकअप भी रिमूव कर लूंगी ना उसके बाद भी मेरे पोर्स के अंदर जो गंदगी भर जाएगी वो क्लीन नहीं होगी। बट वो ये फेस मास्क उसे अच्छे से क्लीन कर देगा। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करती हूँ, समर्स में जब मेकअप रिमूव करती हूँ शूट के बाद, तो ये फेस मास्क मैं डेफिनेटली अप्लाई करती हूँ। क्या होता है, उससे मेरी स्किन डीप क्लीन हो जाती है। अंदर से आप देखोगे इसका जो टेक्सचर है इट्स लाइक अ क्ले और है ब्लैक कलर का, और इट्स अ वेरी क्रीमी काइंड ऑफ क्ले, मतलब बहुत ज्यादा थिक नहीं है। जब अपने फेस पे से स्प्रेड करोगे बहुत ही इजिली स्प्रेड हो जाएगा। यू कैन अप्लाई फ्रॉम योर फिंगर टिप्स और यू कैन अप्लाई अ ब्रश। सो यू हैव टू अप्लाई दिस क्ले मास्क ऑन योर ड्राई स्किन। आपको अपना स्किन अच्छे से क्लीन कर लेना, अच्छे से वॉश आउट कर लेना है और ड्राई स्किन पे अच्छे से इवनली पूरे फेस पे अप्लाई करना है एंड लीव इट फॉर 10 minutes। अपने फेस पे इसे 10 minutes ही रखना है बिकॉज इट्स अ क्ले मास्क। तो क्ले मास्क क्या होता है, बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं, तो क्ले मास्क को बहुत लंबे टाइम तक अपने फेस पे ना रखें। लाइक इसे अप्लाई करके आप 15-20 minutes आधे घंटे तक ना रखें, उससे क्या होगा, स्किन बहुत ड्राई हो जाएगी गाइज, वो बहुत स्ट्रेच होती है तो वो अच्छी नहीं होती है, स्किन पे कट्स पड़ सकते हैं, स्किन और ज्यादा सेंसिटिव हो सकता है। तो साफ साफ इस पे लिखा भी है और बेस्ट है कि आप इसे सिर्फ और सिर्फ 10 minutes तक रखें फेस पे, उसके बाद यू कैन वॉश विद अ नॉर्मल वाटर। स्किन को ड्राई करने के बाद आफ्टर यूज दिस फेस मास्क डोंट फॉरगेट टू अप्लाई अ मॉइस्चराइजर अकॉर्डिंग योर स्किन एंड दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव फेस मास्क फॉर योर डीप क्लीनिंग। ये बहुत ही इफेक्टिव फेस मास्क है स्किन को डीप क्लीन करने के लिए। हाईली सजेस्टिव, अगर आपने अभी तक नहीं किया है, आई डोंट थिंक सो कि बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने फेस मास्क नहीं ट्राई किया होगा। अगर आपने नहीं किया है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी एक बार जरूर ट्राई करें, अफोर्डेबल प्लस इफेक्टिव। होप आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा तो लाइक का बटन दबाना ना भूले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले इन द फ्यूचर और सारी ढेर सारी वीडियो को देखने के लिए। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कंटेंट के साथ, न्यू लॉन्चेस रिव्यू के साथ, न्यू लॉन्चेस टिप्स के साथ, स्किन केयर रिव्यू के साथ और लॉट ऑफ मेकअप वीडियोज आर कमिंग ऑल्सो, तो मेरे चैनल पे बने रहिए। तो चलिए अपना ख्याल रखिए, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।